वेलकम टू आकाश जी एस क्लासेस। आकाश जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। इससे पहले हम तीन पंचवर्षीय योजनाएं कर चुके हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी हमारी, जो लास्ट मेरा जो वीडियो उसमें बताया था मैंने 1961 टू 1966, 1961 से लेकर 1966 तक, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे कि इसमें चीन के साथ 1962 और पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1965 और 1966 के दौरान ज़बरदस्त सूखा पड़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, 1966 से 1969 के बीच कोई वार्षिक योजना नहीं आई, कोई भी वार्षिक पंचवर्षीय योजना नहीं आई, बल्कि इस स्थान पर तीन वार्षिक योजनाएँ चलाएंगी। तो आप याद रखना कि 1966 तक तीन पंचवर्षीय योजना आ गई, लेकिन 1966 के बाद तीन साल तक जो है केवल वार्षिक योजनाएं चलाई गई। वहां डेट में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए देगा, कहेगा 1966 में आप 5 साल जोड़िए तो 1971 आता है, कहेगा 1966 और 1971 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो आप बोलना कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, क्योंकि तीन साल तक 1966 से लेकर 1969 तक क्या था, अवकाश था। तो इस अवकाश में तीन वार्षिक योजनाएं चलाई गई, ठीक है। तो ये जो तीनों वार्षिक योजनाएं हैं ये कुछ इस प्रकार हैं कि 1966 से 1969 की अवधि योजना अवकाश कहलाती है, ठीक है। अब 1966 की वार्षिक योजना के दौरान रुपये का अवमूल्यन डिवेल्यूएशन किया गया, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1966 की जो वार्षिक योजना थी उसमें क्या किया गया, ये आएगा रुपये का अवमूल्यन किस वार्षिक योजना के अंतर्गत किया गया, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा द डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीस, ठीक है, द डिवेल्यूएशन ऑफ रुपीज़। तो आपको आंसर देना है 1966 की वार्षिक योजना के अंतर्गत रुपए का क्या किया गया, अवमूल्यन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है जी, तीनों वार्षिक योजनाओं में कुल व्यय की राशि 6,626 करोड़ रुपए थी, ठीक है। बस यहाँ पे मेन क्वेश्चन आपका यही बनेगा रुपए का अवमूल्यन किस वार्षिक योजना के अंतर्गत किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन तीन वर्षों में राष्ट्रीय आय की प्राप्ति 2.2% रखी गई थी, ठीक है, 2.2% राष्ट्रीय आय की प्राप्ति 2.2%। आगे चलते हैं बच्चों, तीनों वार्षिक योजनाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय 0.1% की कमी आई, ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय में 0.1% की कमी आई। औद्योगिक उत्पादन में इस दौरान 13% की वृद्धि हुई, ठीक है, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें 13% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसी दौरान देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसी दौरान देश के 14 बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी जो वार्षिक योजनाएं आई थी 1966 से लेकर 1969 के बीच जो वार्षिक योजनाएं आई थी उनमें देश की 14 बैंकों का क्या किया, राष्ट्रीयकरण किया गया, द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक, ओके। आगे चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो उनमें दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं मैंने, आप उन्हें कर लीजिएगा तैयार। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974, ठीक है, अब तो सही है, यही टाइम पीरियड चलेगा। और इस टाइम पीरियड में 1971 आपको सबको पता है इंडिया पाक वॉर, इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1971, ठीक है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच, इसके उद्देश्यों के बारे में कुछ जानते हैं। तो पहला उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास, ठीक है, स्थायित्व के साथ विकास, ठीक है। अगला आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय आय में 5.5% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना। तो पूछेगा चौथी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितने परसेंट की विकास दर का लक्ष्य रखा गया, तो आपका आंसर होगा 5.5%, 5.5%, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति। सामाजिक न्याय मतलब सोशियल जस्टिस, और समानता मतलब इक्वलिटी, ठीक है, इसकी प्राप्ति करना। चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य हैं कुल परिव्यय 24,882 करोड़ रुपए, जिसमें 15,902 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र से तथा 8,980 करोड़ गैर सरकारी क्षेत्र में विनियोग के रूप में रखे गए थे। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इतना डिप्ली नहीं आएगा। हाँ, UP SSSC या UPSC में इतना पूछ सकता है। इसी योजना में गाडगिल फॉर्मूले को लागू किया गया, ये आ गया आपका मेन क्वेश्चन। ये है मेन क्वेश्चन इस योजना का। ठीक है, यहाँ से सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, गाडगिल फॉर्मूला। जो बेसिकली क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो इस तरह से आते हैं। ठीक है, गाडगिल फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि 3.3%। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि का उद्देश्य कितना था? 3.3%। खाद्यान्नों का उत्पादन 2.7% वार्षिक औसत के हिसाब से बढ़ा, यानी खाद्यान्नों का इस बार उत्पादन बढ़ने लगा, जो खाद्यान्न थे, ठीक है, खाने पीने की जो सामग्रियां थी। औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 4% रही। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो एवरेज ईयरली जो क्या थी आपका इंक्रीजमेंट था, वो कितना था? 4% था। ठीक है, इस योजना काल में भी भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, मैंने अभी बताया 1971 इंडो पाक वॉर, 1971 इंडो पाक वॉर। ठीक है, बहुत ही फेमस वॉर था। चौथी योजना या चतुर्थ योजना की असफलता के प्रमुख कारण निम्न थे। अब देखते हैं असफलता के क्या कारण थे जो ये योजना असफल हो गई। हमको पता है 1971 में इंडो पाक वॉर जो हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का जो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, उसका मुख्य कारण था कि जो पाकिस्तान था वो कुछ इस तरह से था। ये हमारा प्यारा भारत है, ये मेरा प्यारा भारत है, कुछ इस तरह, ये मेरा प्यारा प्यारा भारत है, और ये नल्ला पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान है दोस्तों, ये पाकिस्तान है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 1971 की कंडीशन, और ये आपका इस तरह से था, यानी 1971 में जो हमारी देश की जो स्थिति थी और जो पाकिस्तान की जो स्थिति थी, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। तो ये आपका पाक हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये आतंकिस्तान हो गया, पाकिस्तान नहीं आतंकिस्तान, और ये है हमारा बांग्लादेश। लेकिन क्योंकि मैं 1971 के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको आप कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान। इसको क्या कहेंगे आप? पूर्वी पाकिस्तान। पूर्व दिशा है कि नहीं है, और ये था आपका पश्चिमी पाकिस्तान। इस तरह की कंडीशन कब थी? 1971 में, यानी पाकिस्तान जो था वो दो तरफ था, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो अब है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी करंट में जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी। उन्होंने क्या किया था कि जो पाकिस्तान था, यहाँ उन्होंने अपनी सेना भेजी, कहाँ? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हमने अपनी सेना भेजी, और अपनी सेना भेज के पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, और पाकिस्तान की सेना को वहाँ से खदेड़ दिया, और उन बांग्लादेश पर हमने कब्जा कर लिया, या कब्जा नहीं कहें, हमने उसको क्या किया, स्वतंत्र करवा दिया, और जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। ठीक है, ये था 1971 की कंडीशन। फिर क्योंकि हमारा देश क्या ऐसा है, उदार है, हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, हम तो पहले से ही, हमारी तो नीति यही है, उसके बाद ये एक स्वतंत्र देश बन गया जो अब बांग्लादेश के नाम से एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब ये चाइना की उसमें आ जा रहा है, चाइना की बातें मान रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है,
चलिए देखते हैं, हमें तो अपने देश से मतलब है, ठीक है। तो आप समझे 1971 का जो इंडो पाक वार हुआ था वो क्यों हुआ था, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, ठीक है, बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इस तरह से बांग्लादेशी समस्याओं के परिणाम स्वरूप भारी संख्या में शरणार्थियों का आना हुआ, ठीक है, भारत में बहुत ज़्यादा शरणार्थी आए। 1972 में बांग्लादेश की समस्या की समाप्ति के तत्काल के बाद ही विश्वव्यापी ऊर्जा संकट उत्पन्न हुआ। योजना के वर्षों में मानसून का असफल होना, मानसून का असफल होना, ठीक है, विद्युत उत्पादन में कमी से औद्योगिक उत्पादन का घटना, ठीक है, ये तो सब आप बेसिक पॉइंट हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब विद्युत का उत्पादन कम होगा तो औद्योगिक उत्पादन तो घटेगा, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री इज डायरेक्टली रिलेटेड है कि नहीं, या हम ये कहें कि इसका कैसा रिलेशन है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, एक पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, या कहें इसका इन्वर्स रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे इसका, कहेंगे एक इन्वर्स रिलेशन कहेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को घटाएंगे, नहीं, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को घटाएंगे तो जो उत्पादन है वो भी क्या होगा, आपका घटेगा, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है, एक तरफ जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन नहीं। अगर आप एक चीज़ को घटाएंगे तो दूसरी चीज़ भी घटेगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का रूल है कि नहीं। जैसे आप सपोज़ कर लिए, अगर आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दीजिए तो जो स्कूटर की जो कीमत है या जो मोटरसाइकिल की कीमत है वो घटेगी, ठीक है। यानी अगर आप डिमांड, अगर हम क्या कहते हैं, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशन नहीं होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है कि नहीं होता है प्राइस और डिमांड का, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसी चीज़ में मैं आपको कुछ बताता हूँ कि इस योजना में श्रमिकों में असंतोष और के परिणाम स्वरूप उनके द्वारा अनेक हड़तालों का आयोजन किया गया। इसकी इस कारण से ये योजना क्या हो गई, असफल हो गई, ठीक है। अब केवल उद्देश्य जान लीजिए, पंच गरीबी का निवारण करना, ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना हम पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट में नॉर्मल बता देता हूँ, डेट 1974 से 1979 के बीच में रही थी ये योजना, ठीक है। गरीबी का निवारण करना, इसी उद्देश्य में गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू किया गया। अगर ये पूछे आपसे कि गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू किया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ कार्यक्रम लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। मैं क्या बता रहा था कि आपको रिलेशन जैसे निकालना है तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, मैं बोलूँ दोस्तों कि अगर मैं चाय के, या मैं बोलूँ चाय के, चाय की जो प्राइस है, चाय की जो डिमांड है, कब कम होगी बताइए, जब आप चाय के प्राइस बढ़ा देंगे तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, एक दूसरे के ऑपोजिट, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, ठीक है। अब मैं बोलूँ दोस्तों, आप एक काम करिए कि आप चाय और कॉफ़ी ले लो, आप चाय और कॉफ़ी ले लो, चाय और कॉफ़ी ले लो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, चाय और कॉफ़ी। मैं बोलूँ भाई मेरे घर में चाय ख़त्म हो गई तो क्या मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, बिकॉज दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये दोनों जो हैं स्थानापन वस्तुएं हैं, एक के जगह दूसरी यूज की जा सकती है कि नहीं, हाँ इन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं, एक की जगह दूसरी यूज की जा सकती है, यानी अगर एक के प्राइस अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो दूसरी की डिमांड भी तो बढ़ेगी, अगर इसके प्राइस बढ़े तो इसकी डिमांड घटी, इसकी जगह मैं कॉफ़ी यूज़ करूँगा क्योंकि इसके प्राइस बढ़ गए हैं, कॉफ़ी का प्राइस वही है, तो एक के प्राइस बढ़े तो दूसरी की डिमांड भी तो बढ़ेगी, तो मैं तो कॉफ़ी खरीदूँगा भाई, चाय क्यों खरीदूँगा, ध्यान से देखना बच्चों, अब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ मैं इकोनॉमिक्स का, चाय और कॉफ़ी दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यानी एक की जगह दूसरी यूज़ कर सकता हूँ। अगर चाय के प्राइस मैं बढ़ा दूँ तो क्या कॉफ़ी की डिमांड नहीं बढ़ेगी, कॉफ़ी की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी,
चाय की जगह लोग कॉफ़ी यूज़ करेंगे, क्यों? कॉफ़ी की प्राइस तो सेम ही था ना, चाय का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो देखो चाय के प्राइस बढ़ाने पर कॉफ़ी की डिमांड बढ़ी, ये इन्वर्स रिलेशन नहीं है, ये पॉजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है, इसे पॉजिटिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। ये जब चैप्टर आएगा डिमांड एंड सप्लाई तब पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।